जेओए आईटी पेपर लीक मामला सामने आने के बाद 26 दिसंबर 2022 से निलंबित चल रहे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को सुक्खू सरकार ने भंग कर दिया है। मामले की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग में बीते 3 साल से भर्ती परीक्षाओं के पेपर बेचे जा रहे थे। जांच रिपोर्ट में इसका बड़ा खुलासा हुआ है। इसको देखते हुए आयोग को भंग करने का फैसला लिया गया है। फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी। आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो था उसको निलंबित किया गया था। हमीरपुर में इस चयन योग में जो भर्तियां हो रही थी उस पर धांधली पाई गई थी और उसको हमने जब निलंबित किया उसके बाद उसकी इंक्वायरी हमने एक आईएएस ऑफिसर अभिषेक जैन जो सेक्रेटरी एजुकेशन थे उनको सौंपी, जो डिपार्टमेंटल के द्वारा इंक्वायरी की जानी थी। और हमारे विजिलेंस में जो आईजी है उनको हमने ये इंक्वायरी सौंपी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कर्मचारी चयन योग था हमीरपुर में उसमें पिछले 3 साल से इस पेपर लीक के मामले हो रहे थे। पेपर बिक रहा था और पेपर बिकने के साथ कुछ लोगों को ही पेपर बेचा जाता था और ये पेपर बेचने का धंधा पिछले 3 साल से चल रहा था। और जो अभी पेपर हुए हैं उनके विषय में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी और इंक्वायरी टीम ने तथ्यों को पाया। इस आधार पर आज जब सुबह फाइल मेरे पास आई उस पर हमने ये फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो कि निलंबित किया गया था उसको भंग कर दिया गया है, उसकी कार्यप्रणाली को ख़त्म कर दिया गया है। और जब तक उसमें जो एग्जामिनेशन हुए जिनके परिणाम नहीं निकले हैं और जिनके परिणाम निकले हैं जो भी और भविष्य में एग्जामिनेशन होने हैं, कईयों को रोल नंबर चले गए हैं और जिनका रिजल्ट निकल गया है, उन सारे मामलों को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो यहाँ HS का टेस्ट लेता है उसमें स्थानांतरित तुरंत प्रभाव से कर दिया गया है। यानी कि जिनके रिजल्ट निकल गए हैं उसके आगे के डॉक्यूमेंटेशन जो चेक होने हैं वो अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा और जिनके जो अगले एग्जाम्स होने हैं उनको भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। और ये तब तक करता रहेगा जब तक कि वहाँ कोई अल्टरनेट के रूप में या टेस्टिंग एजेंसी के रूप में, जो हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अध्ययन कर रहे हैं जो नेशनल लेवल पर रिक्रूटमेंट करती है उनके सभी पहलुओं की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, जब तक कि उसका गठन नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से जो भी कर्मचारी हमारे हमीरपुर में कार्यरत थे उनको सबको सरप्लस रूट में डाल दिया गया है, सरप्लस पूल में डाल दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप अपनी किस विभाग में दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं उसकी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश सरकार में वो लिख कर देंगे। मेरा यह मानना है
जब किसी संस्था पर उंगली उठती है और इंक्वायरी के बाद ये पाया जाता है कि इस संस्था पर उंगली उठी है और पेपर बिके हैं, उस संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाता है। और इस प्रकार जब तथ्य पूरे हमें मालूम हुए और पूरे तथ्यों के आधार पर आज ही हमने हिमाचल प्रदेश पब्लिक जो हमीरपुर में चयन नियोग है उसके पूरी इंक्वायरी करने के बाद ये पाया कि यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक लोग शामिल थे। और इस दृष्टिकोण से हमें ये कड़ा फैसला लेना पड़ा है। और हम हिमाचल के जितने युवा हैं, हमने पहले भी कहा है कि अब आपकी परीक्षाएं जो अभी जब तक जो जिनके रोल नंबर चले गए हैं वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा, और जिनके रिजल्ट निकल गए हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन की जो चेकिंग है वो भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली जाएगी। और जो आगे इंटरव्यू होने हैं उन इंटरव्यूओं को भी जब तक कि नई एजेंसी नहीं आ जाती हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एसआईटी की रिपोर्ट आई है, आपने कहा था कि काफी गंभीर इश्यूज हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, क्या आउटपुट है, किस लेवल पर लोग इन्वॉल्व हैं और किस तरह का एक्शन उनके खिलाफ? देखिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो गई है और दूसरी इंक्वायरी भी टाइम बाउंड मैनर्स में आ गई है। जो भी लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, कुछ को अरेस्ट कर लिया गया है। और उसके बाद हमने ये पाया कि हमें क्या फैसला करना है, युवाओं के साथ धोखा ना हो। जो भी चयन योग होता है जिसमें युवा हमारे नौकरी के लिए बैठते, सरकारी नौकरी के लिए बैठते हैं, गरीब माँ बाप के बेटे का एक इच्छा होती है कि वो सरकारी नौकरी लगे, जब उसके मन में ये भावना आती है कि मेरे पढ़ने लिखने के बावजूद भी, मेरिटोरियस होने के बावजूद भी चयन योग से पेपर लीक होते थे, पेपर बिकते थे, ये सारी रिपोर्ट आने के बाद हमने इस कर्मचारी चयन योग को भंग करने का फैसला किया है। इसका अस्तित्व अब नहीं रहेगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ उनके खिलाफ इंक्वायरी के, आज ही हमने जो इन्वेस्टिगेशन हमारे पास एक फाइल आती है उसके भी ऑर्डर कर दिए गए। सर, दिल्ली से जो कर्मचारी लगे हैं क्या उनकी भी जांच की जाएगी भी जिस तरह से आपने? नहीं, उसमें कुछ एक कर्मचारियों का हमने वेरिफिकेशन चल रही है, नेक्स्ट लिस्ट में जो अगर बाई चांस कोई नौकरी लग गया है उस दृष्टिकोण से अगला फैसला किया जाएगा। सर, कोई सर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी इसमें? देखिए अभी जो पहली रिपोर्ट आई है उसमें तो हमें, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारे प्रदेश में काफ़ी रोजगार के अवसर निकल रहे हैं, कई विभागों की नौकरियां निकल रही है, उस दृष्टिकोण से हमने सोचा कि अभी तो पहले इस कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया जाए। युवा साथी इस भ्रमजाल में रहे कि हमारे आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होंगे वो किसके कौन करवाएगा, कैसे न करवाएगा, पहले तो इस दृष्टिकोण से कार्य किया जा रहा है। और कई चीज़ें सामने आई है जो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो इंक्वायरी का मैटर है और हमने एक्शन लेने के लिए जो हमारे विजिलेंस के अधिकारी हैं उनको कह दिया है। सर, कोर्ट में भी चार्जशीट पेश करने का प्रोसेस क्या? आज मुझे लगता है कि एक फर्स्ट चार्जशीट हो जाएगी और उसके साथ ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल हो जाएगी। सीतारमन ने कहा कि मेरा आज का सवाल इसी से संबंधित है क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला था और हमारी सरकार को बने में अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। हमने उस पेपर का पर्दाफाश किया जो युवाओं के साथ धोखा करते थे, उन लोगों का पर्दाफाश किया जो पेपर बेचते थे, कुछ पेपर कुछ लोगों को बेचकर उनको सरकारी रोजगार देने की प्रयास करते थे और युवाओं के साथ, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा होता था। 2 महीने में हमारी सरकार ने पहले उसको निलंबित किया, आज उसको भंग कर दिया और उसके बाद अब हमारे पर और दायित्व बन जाता है कि जो हमारे रोजगार के अवसर, काफ़ी सारे रोजगार के अवसर एजुकेशन में निकल रहे हैं और डिपार्टमेंट्स में निकल रहे हैं, उनके अगले एग्जाम
हम पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत करवाएंगे जब तक कि कोई नई एजेंसी आने वाले समय में उन नई एजेंसी आने वाले समय में उन एग्जाम को करवाने के लिए बन नहीं जाती। सर लेकिन दिल्ली और छत्तीसगढ़ जा रहे हैं सर, दिल्ली और छत्तीसगढ़ जा रहे हैं सर। धन्यवाद बहुत बहुत। नहीं सर, एमपीएस का जो मुद्दा है क्योंकि